हे गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड बेक विद रश्मि। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम रेसिपी। जिस तरीके से चिकन में बहुत ही वर्सेटाइल रहता है, ये बहुत ही सारे अलग अलग डिशेस बना सकते हैं हम, वैसे ही एक मशरूम रहता है जो बहुत ही वर्सेटाइल डिशेस इसके बनते हैं। सो इसी तरीके का आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम मसाला। हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, मगर हम हमारे घर के तरीके से बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो चलिए इसे झटपट शुरू करते हैं बनाना। सो यहाँ पर मैंने एक पैन में यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 चम्मच तेल, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है घी, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 4 छोटी इलायची और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। ये थोड़े से अच्छे से चटक जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्लीज 2, जो कि मैंने काट के डाले हुए चॉप करके, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप अनियन। सो अनियन को हमें फ्राई कर लेना है एक गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से। फ्लेम जो है वो मैंने हाई रखी हुई है, अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे स्टर करते हुए पका लेना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है अनियन का। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टेस्पून, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टेस्पून। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर जो कि है 1 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर जो कि यहाँ पे मैंने यूज़ की है कश्मीरी चिल्ली पाउडर 2 टेबल स्पून। जो मिर्ची की तिकाट है वो आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा थोड़े कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी मसाला है काफ़ी ड्राई है, सो यहाँ पे मैंने गरम पानी थोड़ा सा डाला हुआ है, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो मसाले हैं वो जल भी ना जाए और अच्छे से पक जाए। सो अभी इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम जो कि मैंने ली है 400 ग्राम। इसे अच्छे से धो के साफ करके मैंने हर एक मशरूम को 4 पार्ट्स में कट कर लिया है, और अभी हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करना है सॉल्ट स्वाद अनुसार, और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और इसी के साथ अभी हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। सो देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं, सो यहाँ पे जो मशरूम में पानी रिलीज करना शुरू कर दिया हुआ है, यानी कि जो हमारे मशरूम हैं ये ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुके हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम हाई करके हमें इसे थोड़ा सा पानी सुखा देना है, और इसी के साथ अभी इसमें जाएंगे टमेटो जो कि 2 मीडियम साइज़ है फाइनली चॉप किए हुए, और इसे भी एक अच्छे से मिक्स देके फिर से हमें इसे स्टीम पे रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 25 काजू जो कि मैंने गर्म पानी में 15 मिनट के लिए सोक कर लिए थे, इसे हमें अभी फाइन पेस्ट कर लेना है। और सो देखिए अभी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और जो टमेटो भी थे अच्छी तरीके से गल चुके हैं, और जो हमारा मशरूम है वो भी देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पर गल चुका है। सो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा काजू का पेस्ट। तो अगर आपके पास काजू ना हो तो इस पॉइंट पे आप यहाँ पे थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून अब घर की जमाई हुई मलाई भी डाल सकते हैं या फिर फ्रेश क्रीम। इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है गरम मसाला पाउडर 1 टेस्पून और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, जिसे हम इस तरीके से अच्छे से मसल के हम इसमें ऐड करेंगे, और बस अभी हम इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे ढककर। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं हमारा मशरूम मसाला। तो देखिए अच्छी तरीके से जो इसमें का ऑयल है वो रिलीज हो चुका है ऊपर, और जो हमारा मशरूम मसाला है वो रेडी हो चुका है। इसकी जो खुशबू अभी आ रही है बहुत ही गजब आ रही है।
तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस अब ये एक अच्छे से स्टर दे लेंगे और जो हमारा मशरूम मसाला है वो रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला हुआ है लास्ट में, क्योंकि जो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी है वो इसे थोड़ी सी पतली चाहिए थी। आप इसमें चाहिए तो इसमें डाल भी सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। सो मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया हुआ था, इसलिए 2 मिनट के मैंने लास्ट स्टीम दी हुई है इसे। और बस अब ये रेडी टू सर्व है। सो गैस करेंगे हम ऑफ और इस मज़ेदार सी डिश को हम करेंगे सर्व। तो चलिए देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा मशरूम मसाला रेडी हो चुका है। ये पराठों के साथ, नान के साथ, डबल रोटी के साथ या जीरा राइस, प्लेन राइस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।